गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8th की मैथ्स चैप्टर 8 राशियों की तुलना। ठीक है, इसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात कैसे किए जाते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन शब्दों के बारे में बता दूँ कि ये हैं क्या। हमारे पास आएगा एक शब्द क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। आप दुकान में गए और आपने कोई वस्तु खरीदी तो आपके लिए वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्या होगी, उसकी विक्रय मूल्य है। माना आपने कोई 10 रुपये का पेन खरीदा और आपने 12 रुपये का वो बेच दिया, तो 10 रुपये तो उसका क्रय मूल्य हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य जिस पर आप उसको बेच रहे हो उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब होता है लाभ। लाभ हमें कब होगा, जब किसी भी चीज़ का विक्रय मूल्य अधिक होगा उसके क्रय मूल्य से। यानी कि आपने 12 रुपये में पेन बेच दिया है ना, तो 12 बड़ा हो गया किसे, क्रय मूल्य में। 10 रुपये में खरीदा था, यहाँ पर आपको 2 रुपये का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। और हानि, यदि विक्रय मूल्य कम होता है क्रय मूल्य से, अगर विक्रय मूल्य कम हो जाए क्रय मूल्य से, आपने कोई पेन 10 रुपये का खरीदा और आपने अपने दोस्त को 8 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हो गई, हानि हो गई यहाँ पर 2 रुपये की। तो ये होंगे लाभ और हानि। अब इन्हीं का अगर हमें प्रतिशत ज्ञात करना है कि हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ कितने रुपये का हमें लाभ हुआ अपॉन बटे क्रय मूल्य कितने में हमने खरीदा था, ठीक है, गुणागे 100। उसी प्रकार हानि प्रतिशत, कितने रुपए की हानि हुई और कितने रुपए का उसको खरीदा था, क्रय मूल्य गुणागे 100। नेक्स्ट चीज आती है आपके पास बिक्री कर। बिक्री कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, या आजकल आप शब्द सुनते होंगे GST, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये होता क्या है, ये होता है कि बच्चों किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री पर सेल टैक्स, अगर कोई वस्तु की जो बिक्री है, जो उसकी बेचने वाली कीमत पर क्या होता है, सेल टैक्स, या ये ST भी हम किसको इसको कहते हैं, सेल टैक्स का शॉर्ट फॉर्म ST, सरकार द्वारा वसूला जाता है। जो हम सरकार को जो पैसा देते हैं उस वस्तु की खरीद पर, ठीक है, यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है और क्या होता है, सरकार को ये दे दिया जाता है। जैसे आप सुनते हैं कि 18% GST है, इतना परसेंट GST है, यानी कि उसमें वो जो उसकी कॉस्ट है उसमें वो जुड़ के आ रहा है, उतना परसेंट, और उतना परसेंट वो सरकार के खाते में जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2। 8.1 मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। एक व्यक्ति है कोई और उसके वेतन में, उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट, यानी कि 10% उसकी सैलरी बढ़ रही है। यदि उसका नया वेतन, और जो उसका नया वेतन हो जाता है बढ़ने के बाद, वो हो जाता आपके पास 1,54,000, ठीक है, तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो उसका पहला वेतन कितना रहा होगा, इससे पहले, बढ़ने से पहले उसका मूल वेतन कितना रहा होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को या तो x मान के करते हैं या तो हम उसको 100 मान के करते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं 100 मान के ही कर लेती हूँ, कि माना कि एक व्यक्ति का मूल वेतन कितना है, 100 रुपये है। माना हम कहाँ से शुरू करें कि 100 रुपये था स्टार्टिंग में, तो उसके वेतन में वृद्धि हो गई है कितने परसेंट की, 10% की। तो जो उसका नया वेतन हुआ होगा, 10% बढ़ गया ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 में 10% और जुड़ गया, है ना, 10% किसका, मूल वेतन का, 100 तो है ही, 100 प्लस 10% ऑफ 100। तो यानी कि आप 100 लिख भी सकते हैं यहाँ पे, 10% ऑफ 100, या +10 भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड है, क्योंकि हम जब 100 लेते हैं सवाल में तब हमें ये लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप x लेते या कुछ लेते तब हमें करना पड़ता है। इसलिए मैंने पूरा प्रोसीजर वही किया कि अगर हम x भी लेते तो भी हम ऐसे ही करते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें वेतन में 10% की वृद्धि हुई है, तो 100 तो उसका पहले से ही था, तो 100 प्लस 10% निकालेंगे हम 100 का, तो 100 का 10% निकालने पर आपको 10 ही प्राप्त होगा। तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपये उसका क्या हो जाएगा, नया वेतन आ जाएगा। अब देखो, अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि जब नया वेतन 110 रुपये है, अब नया वेतन हमारे पास कितना आ गया, 110 रुपये आ गया, तो उसका मूल वेतन कितना था, 100 रुपये था, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को एक मान के करेंगे कि जब नया वेतन अगर 1 रुपये होगा, जब नया वेतन अगर 1 रुपये है तो उसका मूल वेतन कितना होगा, 1 है तो कम हो गया, कम होगा ना, 1 में तो कम होगा, तो कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 100 बटे 110 आ जाएगा, है ना, 100 बटे 110 आ जाएगा, इतना रुपए होगा।
और अब क्या करेंगे हम, जब नया वेतन, अब ये तो 1 रुपए के लिए था, अब हम क्या करेंगे 1,54,000 के लिए करेंगे, कि जब उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका जो मूल वेतन कितना होगा, एक के लिए इतना है तो 1,54,000 के लिए यही चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 1,54,000 गुणा हो जाएगा, ये तो एक के लिए था, इतने के लिए कितना होगा, ज़्यादा, इसके साथ तो गुणा हो जाएगा, 100/110 गुणा आ गया 15,400। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,40,000, यानी कि जो व्यक्ति का मूल वेतन रहा होगा वो रहा होगा आपके पास 1,40,000। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि मूल वेतन इतना रहा होगा, तभी जब इसमें हम 10% ऐड करेंगे तब हमें ये वाला प्राप्त हुआ होगा 1,54,000। तो बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये। तो अब शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में है आपका कि रविवार को 845 से व्यक्ति चिड़ियाघर गए, रविवार संडे के दिन 845 व्यक्ति चिड़ियाघर घूमने गए, सोमवार को केवल, और सोमवार को केवल 169 व्यक्ति ही व्यक्ति गए, और सोमवार को 169 व्यक्ति गए, तो चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले हमें बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई, इसके लिए हम पहले निकालेंगे कि कितने लोग कम हुए, तभी हम उनका क्या निकाल पाएंगे, प्रतिशत निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन इसी ढंग से लिखना है कि रविवार को चिड़ियाघर में गए हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 845 है, सोमवार को चिड़ियाघर में गए हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है, 169 है, तो सोमवार को कितने लोग कम हुए, कम के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो सोमवार को चिड़ियाघर में गए हुए व्यक्तियों की संख्या में कमी 845 माइनस 169 यानी कि 676 लोगों की कमी आई है ना। अब जब कमी आई तो कमी के बाद हम क्या निकालने वाले हैं, कमी का प्रतिशत, जैसे लाभ हानि थी ना कि इतना लाभ था इतना हानि थी, वो उसी टाइप से अब कमी प्रतिशत हम निकालेंगे, कमी बटे मूल संख्या गुणा गया 100। तो कितने की कमी हुई है, 676 लोगों की इसमें कमी हुई है, और मूल संख्या कितनी थी, 845, फिर गुणा गया 100, तो इसका हमने करा 676 गुणा गया 100 करा, तो 676 100 इतना ये आ गया, फिर 6,676 100 इतना आ गया, फिर 845 से इसको मैं भाग दिया तो ये आ गया आपके पास 80%, यानी कि इतने प्रतिशत लोगों की इसमें क्या हुई है, कटौती हुई है, कमी हुई है, इतने लोग कम गए सोमवार को चिड़ियाघर, ठीक है, संडे के कंपेरिजन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों कि एक दुकानदार 2,400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है, एक दुकानदार है 2,400 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 80, और उन्हें 16% लाभ पर बेच रहा है, और उन्हें फिर क्या कर रहा है, वो 16% लाभ पर बेच रहा है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसमें बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन में कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 2,400 है, लाभ कितना हो रहा है इसमें, 16% का लाभ हो रहा है, तो भाई जो विक्रय मूल्य होगा वो 16% का लाभ निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 2,400 तो है ही लाभ हो रहा है, 2,400 में तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा उसको, प्लस 16% वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है उसमें ना, प्लस 16% किसका, 2,400 का 16% निकाल दिया, 2,400 प्लस 16% ऑफ 2,400 दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 16 को 24 से गुणा किया तो 384 आ गया, तो 2,400 प्लस 384 यानी कि 2,774 रुपये ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 80 वस्तुओं का क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा, है ना, अभी 80 वस्तुओं का क्या बन गया, ये विक्रय मूल्य बन गया, क्योंकि 80 वस्तुएं थी शुरू में, तो एक वस्तु का हमें निकालना है, तो एक के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2,784/80, तो ये हो जाएगा आपके पास 34.80 आ जाएगा, और यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, इस टाइप के क्वेश्चन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है बच्चों कि एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, एक वस्तु का मूल्य कितना है, 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए, और 450 रुपये क्या हुआ, इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए, यदि उन्हें 15% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उन्हें क्या करेंगे हम, 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, तो वस्तु का मूल्य कितना है, 15,500 है, उसकी मरम्मत में 450 रुपये और खर्च हो गए, तो उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, उसमें इतना खर्चा और आ गया ना, तो उसी में तो जुड़ेगा वो, तो 15,500 प्लस 450 यानी कि 15,950 उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब उसको जब हम बेच रहे हैं तो कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, 15% लाभ पर बेच रहे हैं, तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसका 15% और निकालो,
तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, इतना प्लस 15% लाभ, यानी कि उसमें जुड़ के आएगा 15% किसका, इसी कीमत का, ठीक है, उसी के क्रय मूल्य पे 15% उसके क्रय मूल्य का। आप इसको सॉल्व करिए, मैंने इसको कैंसिल आउट किया है, 5 2 10 से करा, और 1 0 से पहले मैंने यहाँ का 0 काट लिया था, फिर ये 5 2 10 और 5 से इसका डिवाइड किया तो 319 ये आपके पास निकल के आया। 319 जब ये निकल के आया आपके पास, तो इसके बाद क्या हो गया, 1590 प्लस फिर 15 × 319 को इंटू किया तो 4785 ये आया अपॉन 2, फिर 4785 में 2 का डिवाइड किया तो 2392.5 आया, फिर इसको और इसको जोड़ा तो ये आ गया आपके पास कितना, 18342.50। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आपको मरम्मत की कीमत भी उसमें क्या करनी होती है, जोड़नी होती है कि पहले वस्तु का मूल्य इतना था, इतना उसमें और खर्चा आया, यानी कि उसमें जुड़ेगा वो, अब उसमें क्या कर रही है, तो फिर उसका पूरा क्रय मूल्य बन जाएगा, जब उसको बेच रहे हैं तो 15% उसमें लाभ हो रहा है, यानी कि इतना तो मिलेगा प्लस इसका 15% और मिलेगा, तो 15% हमने इसकी कीमत के निकाला, वो सॉल्व करके हमारे पास कुल इतना आ गया। ये प्रैक्टिस बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है, आप इनको बिना कैलकुलेटर की हेल्प से खुद कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग एंड अच्छे क्वेश्चन हैं ये।